हरे कृष्णा। तो ये घड़ी जिस दिन गुरु महाराज शरीर छोड़े थे उसी दिन ये घड़ी बंद हो गया था, तो अभी इस घड़ी को चालू करके दिए हैं दस अवतार पो। तो गुरु महाराज कभी भी रथ यात्रा होता था तो महाराज घड़ी लेके जाते नहीं थे, बोले थे कोई खोल कोई चुरा लेगा, तो इसीलिए महाराज बोले थे इसको छिपा के रख दो। हमेशा इसको कई बार जब भी रथ यात्रा हो कभी पब्लिक फंक्शन हो महाराज हमेशा बोलते ब्लैक बैग में रख के रखो इसको, तो छिपा के रखते थे इसको। जहाँ पर एक गौड़ीय मठ है, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर यहाँ पर ही रहते थे ज़्यादातर कलकत्ता में, और ये उनकी भजन कुटीर है। उनकी सब सामग्री भी यहाँ पर है, उनके जूते हैं, उनकी और भी बहुत सारी ये अलमारी में रखा हुआ है, देख सकते हम। ये उनका बेड है जहाँ पर वो विश्राम करते थे, और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ से ही वो भगवत धाम वापस गए थे, यहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था। और एक विशेष बात यह है यहाँ पर, ये जो सामने जो घड़ी है ये जब उन्होंने शरीर छोड़ा उस समय का समय बता रही है, उस समय ये घड़ी बंद हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि गौड़ीय मठ में सभी घड़ियाँ बंद हो गई थी उसी समय जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो ये जो घड़ी का जो समय है वो उसी समय का रुका हुआ समय है 5:30 बजे का। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय।